नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण सूचना है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे और अपनी बात को कमेंट सेक्शन में जरूर रखेंगे। सबसे पहले बता दें, विद्यार्थी के द्वारा आज आंदोलन किया गया और आंदोलन का डिमांड क्या क्या था, इस पर बातचीत करेंगे। टीआरई 2 को लेकर पूरक रिजल्ट दिया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का कोई उन लोगों का सूचना नहीं है कि टीआरई 2 में पूरक रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थी का लगातार यही कहना था कि देखिएगा, अतुल सर के द्वारा बोला गया था कि पूरक रिजल्ट बनकर तैयार है, 14,000 के आसपास दिया जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा कोई नोटिस नहीं जाता है, उसके बाद नोटिस जाता है तो बताया जाता है कि नहीं, पूरक रिजल्ट की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ देखिएगा तो उसी बीपीएससी टीआरई 2 में भर्ती जो दिया गया था, उसी में वेलफेयर के लिए जो भर्ती दी गई थी उसमें पूरक रिजल्ट दिया जाता है। यानी कि एक तरफ पूरक रिजल्ट दिया गया लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिया गया। यानी कि इसको लेकर आज विद्यार्थी जेडीयू कार्यालय गए, वहां पे अपने बातचीत रखे, लेकिन बातचीत किसी से नहीं हो पाई, वहां से उन लोगों को हटा दिया गया प्रशासन के द्वारा। जिस तरीका से आप वीडियो देखे होगा, विद्यार्थी साफ तौर पर कह रहे हैं और सभी लोगों का यही डिमांड है कि कम से कम दे दिया जाए पूरक रिजल्ट। उधर देखिएगा, जब उस समय चूंकि बीपीएससी टीआरई 2 की जो भर्ती हो रही थी, उस समय विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी और विपक्ष के बड़े नेता यानी सुशील मोदी के द्वारा बताया गया था कि यदि हम सत्ता में आते हैं, सरकार में रहते, तो हम 40,000 के आसपास पूरक रिजल्ट देते। लेकिन विद्यार्थी का यह भी लगातार डिमांड था कि सुशील मोदी बोले थे कि 40,000 पूरक रिजल्ट देंगे, लेकिन 4 भी रिजल्ट नहीं दिया गया। इधर विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि उसी वैकेंसी में वेलफेयर के लिए दिया गया लेकिन हम लोगों के लिए नहीं दिया गया, आखिरकार दोहरा चरित्र क्यों अपनाया गया शिक्षक भर्ती में, इन सारे चीज को लेकर बातचीत कर रहे थे। उधर आप देखिएगा, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में विद्यार्थी का यह भी कहना था कि 3 में एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, उसको भी दिया जाए, बहुत कुछ डिमांड है। अभी भी बीपीएससी में बहुत सारे सुधार को लेकर, खासकर शिक्षक भर्ती में बहुत सारा समस्या है, इसको लेकर विद्यार्थी आए दिन मांग करते हैं लेकिन उनकी कुछ नहीं सुनी जाती है। 1-5 में शिक्षक भर्ती को लेकर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि 1-5 में जो बीएड से बहाल शिक्षक है वह सही नहीं है, यानी उनको आज नहीं कल तो बाहर होना ही पड़े। इधर आप देखिएगा, बिहार में भी ऐसी परिस्थिति है लेकिन सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, क्या होगा भविष्य की गर्त में है। लेकिन जो भी 1-5 में डीएलएड के थ्रू है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-5 में जो पहले भी बहाल है बीएड से, उनको समस्या हो सकता है, उनके साथ कभी भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट बैन कर दिया है तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, आज हो कल हो परसों हो, लेकिन उनके साथ अन्याय मिलेगा जो डीएलएड वाले हैं उनको और जो बीएड वाले 1-5 में भर्ती है उनके साथ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कब एग्जाम होगा, तो अभी किसी भी प्रकार का कोई नहीं है एग्जाम का सूचना, उस तरीके से ऑफिशियल नोटिस नहीं है, अभी तो जांच चल रहा है, जब तक जांच पूरा नहीं होगा तब तक एग्जाम नहीं हो सकता है। लेकिन एक पहलू दूसरा है कि बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग ये सब मिलकर पूछे कि हम एग्जाम करा लेते हैं, यदि प्रशासन सहयोग करे तो अप्रैल में संभव हो सकता है, लेकिन प्रशासन सहयोग करे तब, सभी जगह सेंटर मिले उसके बाद। बीपीएससी के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि फिर से एग्जाम कराना, अच्छा तरीका से एग्जाम ले लेना, प्रश्न पत्र वायरल ना हो, इसका फिर से पूरा पुख्ता बंदोबस्त करना। दूसरा बात यह है, अलग से एक प्रिंटिंग प्रेस अब दूसरा देना होगा टेंडर, वहां से प्रिंटिंग का काम करना होगा। लेकिन थोड़ा सा आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, इतना बड़ा एग्जाम लिया जाता है, वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या अन्य सभी एग्जाम हो, कम से कम एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए, वहां पे सरकारी कर्मचारी होते, सरकारी अधिकारी रहते तो उनकी जवाबदेही होती है। प्राइवेट टेंडर जो दिया जाता है उसमें क्या होता है, पैसा का मार्जिन होता है, जितना कम पैसा जो लेंगे उनको टेंडर दिया जाता है और वो पैसा कम देते हैं लेकिन प्रश्न पत्र वायरल कर देते हैं, प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं, प्रश्न पत्र बेच देते हैं, तो कई 1,000 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। इन पर भी विचार करना चाहिए सरकार और आयोग को, एक सुझाव जरूर देना चाहिए सरकार को या वरीय अधिकारी को कि कम से कम एक प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए, एक सरकारी सब कुछ तंत्र होना चाहिए, ताकि जो एग्जाम हो सके वह सही सलामत एग्जाम हो सके। आप क्या विचार रखते हैं पूरक रिजल्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। विद्यार्थी साफ तौर पर बोल रहे हैं कि यदि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो हम लोग वोट के समय सरकार से और सरकार को दिखा देंगे, ये विद्यार्थी का कहना है, ये युवाओं का कहना है। बहुत सारे युवा इसलिए नाखुश है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाई ब्रेकर के कारण छट गए थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए थे, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कट ऑफ था उसके कारण से छट गए थे, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो
कट ऑफ बराबर हो जाने के कारण छट गई थी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री का कट ऑफ क्या था यह आज तक किसी को समझ में नहीं आया, ये भी इसके कारण भी छट गई। हमेशा विद्यार्थी को यह लगता था कि एग्रीगेट कट ऑफ दिया जाएगा, लेकिन पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री के कारण भी लोग छटे हुए। इन सारे चीज को लेकर विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं और विद्यार्थी अतुल सर से यह भी पूछ रहे थे कि जब सर ने ट्वीट कर दिया तो विद्यार्थी के मन में यह भरोसा हो गया कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग और बीपीएससी का क्या बातचीत होता है कि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाता है। इन सारे चीज को लेकर और अप्रैल की बात है, मई की बात है, जो भी बात है, जो टीआरई थ्री की तैयारी कर रहे हैं अपने तैयारी में लगे रहे, जिस तरीका से अब पढ़ाई कर रहे हैं अब पढ़ते रहे। जब भी किसी भी प्रकार का कोई सूचना आएगा तो एग्जाम टूर के माध्यम से आपको समय से पहुंचा दिया जाएगा, इसमें आप टेंशन न ले। और एक बात मैं बता दूं, जो भी व्यूअर देख रहे हैं, नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं एग्जाम टूर को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।